हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस अभी मैं शॉवर लेके आ चुकी हूँ और अभी हम लोगों ने अपने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया है और आज हम लोग जाने वाले हैं हमदा पास और कुल्लू जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए। सोलांग में जाते बट सोलांग की थोड़ी नीचे से होती है तो हमें थोड़ी लॉन्गेस्ट वाली चाहिए। तो हम लोग कुल्लू जा रहे हैं और उसके बाद हमारा प्लान है शायद कसोल जाने का। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और गाइज़ ये जो मेरी नाग है ना, ये ठंड से लाल हो रही है। चलो ये तो ब्लशर है बट ये इतनी ठंड है, देखो हाथ। और अभी ब्रेकफास्ट का हमने ऑर्डर दे दिया है, ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि हल्की फुल्की अपनी पैकिंग वुकिंग भी कर लूँ। सब सामान मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद का प्लान देखते हैं। यार गाइज़ मेरा तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पे धूप लग रही है कि यहीं पे बैठ के सोने का मन कर रहा है। और जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर गाइज, रात के टाइम जो पार्टी होती है तो यहाँ पर सॉन्ग का रिफ्लेक्शन चलता है। आप देख सकते हो बॉनफायर चेयर वगैरह, पीछे स्क्रीन है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन है। मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग आइए और मेरे उससे आपको और डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मतलब वैसे भी हमारे नॉन में ही आते हैं। फिलहाल अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है, ब्रेकफास्ट करते हैं अपन फिर चलते हैं आगे की तरफ। फिर गाइस आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट बाहर से ही धूप में क्योंकि अंदर बहुत ठंड लग रही थी, तो आज हम बाहर से ही खाने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी और अभी हम जा रहे हैं हमदा पास। मैंने आपको कसोल का प्लान बताया था बट अभी हम कसोल नहीं जा रहे हैं। गाइस दिमाग ख़राब हो गया, हमें 4 तारीख को जाना था और हम कल निकलेंगे 1 तारीख की रात को, बताओ। क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं यार, हम बोर हो गए यहाँ पे, क्या ही करेंगे 3-4 दिन तक रुक के फालतू के। इससे अच्छा फिर हम बहुत जल्दी दूसरा ट्रिप प्लान कर लेंगे। हाँ अब इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर लेंगे हम। तो दोस्तों हमदा पास जाने के लिए 200 रुपीज़ का एंट्री पास बनता है। यूँ खड़ी है तो गाइज हमें ये मिला है हमदा पास के लिए। 1 मिनट पढ़ लो आप। अब हमारी राइड चालू हो चुकी है हमदा पास के लिए। अभी हम लोग आए हुए हैं हमदा पास वैली और अभी हमारा टी ब्रेक चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत ही लंबा ट्रैक है, मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ तक करना है। तो अभी हम सब देख सकते हो आप, सब टीम अपनी चाय पी रही है। फिर हम अभी ऊपर की साइड चलेंगे ट्रैक करने के लिए और आपको बताते हैं कि कितना लंबा ट्रैक है यहाँ पर, क्या है सारा हिसाब किताब। फिलहाल अभी हम चाय पी लेते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर एक वो है वाटरफॉल, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो आप गाइस कितना ब्यूटीफुल है और आप देख सकते हो नीचे पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है पानी की वजह से। और यहाँ मेरे साथ में चाय चल रही है। करते हैं अपना ट्रैक।
गाइस अभी हम ट्रैक कर रहे थे पर ऊपर बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल है, तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, यहीं पर ही रुके हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हो हम कितने ज़्यादा अभी हाइट पर खड़े हैं। एक सेकंड वेट करो, दिखाती हूँ। देखो अभी हम ऐसे खड़े हुए हैं। गाइस आप देखो सबकी हवा टाइट हुई पड़ी है, कोई चढ़ने को तैयार ही ना है भाई। देखो मैं तो यही कह रहा हूँ, उधर चल। तो गाइस अभी हम लोग ट्रैक करके नीचे आ चुके हैं। आप एक बार बैक कैमरे से पीछे वालों की भी शक्ल दिखा दो, देखो कितनी है। तो नहीं वैसे दिखाने लायक। तो आइए गाइस अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। गाइस मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि जो लोग भी ट्रैकिंग पे आए कृपया बूट्स ना पहन के आए, स्पोर्ट्स शूज पहन के आए, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। बकचोद लोग के साथ ना आए, जो हमें छोड़ के भाग देता है उनके साथ बिल्कुल नहीं। जैसे ही बकचोद बोला मैंने कैमरा इधर कर दिया। ऊपर बैठा है उसने निकाला। बनी रहा तो से बंद क्या किया व्यूअर्स भी बोलेंगे पता नहीं कैसी व्लॉगर चलना भी ना था दिख गया भाई। कभी भी कपल्स के साथ मत आना, पीछे दिखा रहा हूं पीछे, वरना तुम पीछे ही रह जाओगे भाई। अगर कपल्स के साथ आओगे तो रेस्क्यू जान को खतरा हो सकता है। ये जूते भाई यही दिक्कत दे रहे हैं, टाइज मार ली ना भाई, तुम थोड़ा आगे चलो मेरे से। गाइस अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और सबकी हालत टाइट हो चुकी है, आप देख सकते हो सब पीछे ऐसे बैठ रहे हैं। फिर गाइस हम लोग यहाँ से टाइम से फ्री होकर निकल गए थे क्योंकि 31st की नाइट थी, तो हमको थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी करनी थी और यहाँ पर गई शाम के टाइम चीता वगैरह और मतलब भालू भी आ जाते हैं, तो इस वजह से। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे इन्होंने गाड़ियों का खिलौना बना दिया, धूल उड़ा उड़ा के ये सब अपनी अपनी हवाबाजी दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया था और आप सब देखो कि कैसे इन्होंने पूरी धूल बना दी है। हम लोग निकल चुके हैं हमता पास से, 5:08 हो गए हैं, दो गाड़ियां आ गई हैं, अभी एक गाड़ी पीछे है उनका हम वेट कर रहे हैं जाने में। आप विश्वास नहीं मानोगे हमें 1 घंटा लगा था और नीचे आने में 20 मिनट, इतनी जोर से गाड़ी भगा के लाए ना, इतनी क्या ही बताऊं। 15 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है, 60-60 में गाड़ियाँ मतलब भग रही हैं, दो गाड़ियाँ, एक हमारी और एक पीछे स्कॉर्पियो थी, अभी एक और आ रही है जीप कंपास, उसका वेट कर रहे हैं हम बस। गाइस जैसा मैंने आप लोगों को बताया था हमता पास, गाइस जगह अच्छी है बट ट्रैकिंग करने में ना हालत ख़राब हो जाएगी भाई आप लोगों की। हम तो बहुत थोड़ा सा गए थे वरना कम से कम 50-60 किलोमीटर का ट्रैक है और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वहाँ पे कैंप वगैरह अवेलेबल है, मतलब जो लोग पूरा ट्रैक करते हैं वो लोग रात को कैंप में रुकते हैं भाई। मैं तो इतना थक गई थी कि भाई बस क्या ही बताऊँ। फिलहाल अभी 8:31 है तो आज पार्टी करेंगे, अभी सारे फ्रेंड्स वगैरह बाहर गए सामान वगैरह लेने के लिए, मैं तो भैया रूम पे ही हूँ क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ बहुत ही बुरी तरीके से। और अब सामान भी सब कुछ करती हूँ, पूरा मैस करती हूँ, पूरा लगाती हूँ क्योंकि कल रात को हम निकलेंगे 11-12 या फिर 2 बजे तक, मतलब पता नहीं कितने बजे तक निकलेंगे,
ये यार रुक के कुछ फ़ायदा भी नहीं है गाइज, मतलब वेस्ट ऑफ मनी वाली बात है। बर्फ़ है नहीं, कसोल जाके भी हम लोग करेंगे क्या? मतलब कसोल हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे, होटल्स वगैरह सब वो हैं आउट ऑफ स्टॉक, सॉरी सब फुल हैं, सब फुल हैं, क्योंकि कसोल में आपको पता है कि कैसी वो है, सब वही आते हैं, नशेड़ी चंगेड़ी, नशेड़ी वाले, अफीम गांजा वाले, तो सब फुल है वहाँ पे। तो वहाँ पे होटल नहीं है, तो धक्के खा के फ़ायदा क्या, इससे अच्छा ये है 3 दिन का ट्रिप हो चुका है, अब बाद में इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान करते हैं। अभी मैंने अब मैं किसी चाय के लिए बोल देती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, सर में दर्द हो रहा है, चाय वाय पीते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर शाम की पार्टी की तैयारी करते हैं। आप पहले गाइस सब जगह मेरे कपड़े हैं, बताओ ये हीटर चल रहा है, देख लो अब आपको देखना। 6:30 हो चुके हैं और मेरी चाय मैंने कही थी आंटी देकर चली गई है, मेरी चाय साथ में बिस्किट खाते हैं, चाय और बिस्किट लेते हैं। चाय देख लो बहुत कड़ाकेदार बनाई है आंटी ने, चाय कितनी सही चाय हो रही है ना भाई, बहुत कड़ाकेदार चाय बनाई है देखो भाई। सुन सकता है जो मेरे काम Happy birthday man, happy birthday Nisha, Nisha sunao behan bologe, happy birthday, god bless you, god gives you everything। गाइज अभी हम नशे गाइज अभी हम माल रोड आए हुए हैं, यहाँ पे लाठी चार्ज हो गई है, पता नहीं क्या बात हो गई, मैंने यहाँ पर 31st का शो था बट सब बंद हो चुका है गाइज, बट हम तब भी मजे लेने के लिए आए हुए हैं गाइज। ये यहाँ पे सीन है, रात के 2:30 का आप देख सकते हो, अभी 2:30 रहा है, आप यहाँ पे जन देख सकते हो, यहाँ कुछ बात बात हो गई, आप पुलिस ने लठक बजा दिए गाइज, हमें नहीं पता क्या बात हो गई, पर हम तब भी यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए। भैया हमारी 2-in-1 है, अभी हम माल रोड में, आप लोग यहाँ की सिचुएशन देख सकते हैं, देखो ये सिचुएशन
गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात हम 3:30 बजे रूम पे पहुंचे थे और हम 4 बजे सोए थे। खाना वगैरह हमने 3:40 पे खाया था, आप यकीन मानोगे। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं इस ब्लॉग को एंड, अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार दे देना। राम राम जी, अल्लाह हाफिज़।